बाकी सहाफ़ियों के लिए तो इमरान खान साहब 2018 के बाद हुक्मरान बने हैं, लेकिन मैं 2013 से इन्हें खैबर पख्तूनख्वा में बतौर हुक्मरान देख रहा था। इसलिए भी जब दीगर एंकर्स और कॉलम निगार सिर्फ इनकी मदा सराई में मसरूफ थे तो मैं इन्हें नवाज शरीफ की तरह हुक्मरान के तौर पर ही डील कर रहा था। और तब जब बाकी मीडिया पर्सन सिर्फ नवाज शरीफ पर तनकीद कर रहे थे तो मैं नवाज शरीफ के साथ साथ इमरान खान पर भी तनकीद कर रहा था। इससे इमरान खान और कुछ लोगों ने ये तासुर लिया कि मेरी कोई जाती दुश्मनी है या मैं किसी बुक्स का शिकार हूँ। चुनाचा पीटीआई की प्रोपेगेंडा मशीन अगर किसी सहाफ़ी के खिलाफ सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुई है तो वो इस तालिबे इल्म के खिलाफ हुई। इनके सोशल मीडिया ट्रोल्स और मीडिया मैनेजरों में अगर किसी सहाफ़ी की किरदार कुशी के लिए सबसे ज्यादा मंसूबे बने तो वो इस तालिबे इल्म के खिलाफ बने। और ये सब कुछ खुद इमरान खान साहब की हिदायत पर हो रहा था। ये सब कुछ होने के बावजूद जवाब में गाली देना तो दरकिनार, मैंने कभी इमरान खान किसी वजीर, मुशीर या फिर रहनुमा की जात से मुतल्लिक कोई बात नहीं की, जिसकी गवाही गुज़िश्ता रोज मेरे टीवी प्रोग्राम जिरगा में विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने भी दी। शादियों के मामलात आए, अलहदगी के आए, रेहम खान की किताब छपने से पहले ही मौजूए बहस बन गई थी। जब वो छपी तो फिर भी मौजूए बहस बनी रही, लेकिन मैंने कभी इन मौजूआत से मुतल्लिक कलम उठाया और ना टीवी प्रोग्राम किया। हालांकि पीटीआई से जो मर्द या खातून रुकन नाराज होता है तो वो सबसे पहले मेरे पास आता है, और शायद जितनी मालूमात मेरे पास हैं किसी और सहाफ़ी के पास नहीं होंगी, लेकिन मैं अपनी खानदानी और सहाफ़ती इक़दार से मजबूर हूँ। यहाँ तक के जब मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ ने मुराद सईद के खानदान से मुतलिक बात की तो मैंने अपने जिरगा प्रोग्राम में ऐलान किया कि आज के बाद मैं इन्हें अपने प्रोग्राम में नहीं बुलाऊंगा। इसी हफ्ते सुलह कराई गई, लेकिन मेरे प्रोग्राम में वो गुज़िश्ता हफ्ते तक नहीं बुलाए गए। अब जब उन्होंने इस बात पर माजरत की है तो शायद मैं पाबंदी उठा लूँ। अफसोस के आज मैं मुराद सईद के इशू और रेहम खान की किताब को मौजूए बहस बनाने पर मजबूर हुआ हूँ, और मजबूर खुद इन लोगों ने किया है, क्योंकि किताब और मुराद सईद के इशू को बुनियाद बनाकर न सिर्फ मोहसिन बेग को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि इसी का सहारा लेकर पीका कानून में तरमीम करके एक ड्रैकोनियन ऑर्डिनेंस जारी किया गया, जिसके बाद अमलन पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं रहेगा बल्कि शुमाली कोरिया बन जाएगा, और इमरान खान अमीरुल मोमिनीन नहीं रहेंगे बल्कि किम जोंग उन बन जाएंगे। यूं ये अब सियासत का नहीं बल्कि आज़ादी इज़हार राय और बुनियादी इंसानी हुकूक का इशू बन गया है। हकीकत यह है कि जब रेहम खान ने अपनी किताब का मसूदा तैयार कर लिया और वो पब्लिशर ढूंढ रही थी तो तुर्की में एक बंदे को पब्लिशर बनाकर इमरान खान को सपोर्ट करने वाली एक एजेंसी ने इनसे किताब का स्क्रिप्ट हासिल कर लिया। तब रमजान का महीना था और दोपहर को इमरान खान ने बनी गाला में इस हवाले से अपने मीडिया मैनेजरों का इजलास तलब किया, जिसमें हमजा अली अब्बासी को भी बुलाया गया। फर्स्ट अटैक का इमरान खान का जो कुलिया है, इसके मुताबिक ये फैसला हुआ कि हमजा अली अब्बासी इस किताब के मंदरजात को लीक करेगा और फिर बाकी एंकर्स और तर्जुमान रेहम खान के खिलाफ इस अंदाज में बोलेंगे कि कहीं किताब छपने से पहले गैर मौसर हो जाए। हम जैसे लोगों को भी किताब की सॉफ्ट कॉपी पीटीआई की तरफ से मिली। इस सॉफ्ट कॉपी में भी मुराद सईद वगैरह का जिक्र है, और फिर रेहम की तरफ से बाकायदा शाया होने वाली किताब में भी जिक्र मौजूद है, लेकिन इस सॉफ्ट कॉपी पर सफा नंबर दर्ज नहीं है। अब न जाने FIA में मोहसिन बेग की शिकायत के खिलाफ मुराद सईद ने किस बुनियाद पर सफा नंबर 273 का हवाला दिया है, क्योंकि रेहम खान की जो तबाहशुदा किताब है इसमें इस सफ़े पर सिरे से मुराद सईद का जिक्र ही नहीं है। असल किताब में वो जिक्र सफा नंबर 4 और 5 सफ़े के दरमियान में कहीं आता है, और तन्हा मुराद सईद का नहीं बल्कि इसी अंदाज में अली अमीन गंडापुर, परवेज खटक का भी जिक्र है। इसी तरह किताब के मंदरजात में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनको किसी सूरत मुनासिब नहीं कहा जा सकता, लेकिन रेहम खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई बाकायदा शाया शुदा किताब की बुनियाद पर हो सकती है, न कि अशात से पहले लीक होने वाली सॉफ्ट कॉपी की बुनियाद पर। अब हमजा अली अब्बासी वगैरह ने इन बातों की तशहीर इस वक्त टीवी पर कर दी जब बाकायदा किताब छपी ही नहीं थी। यूं मुराद सईद वगैरह के पहले मुजरिम तो हमजा अली अब्बासी और खुद इमरान खान बनते हैं, लेकिन इमरान खान इनके लीडर जबकि हमजा अली अब्बासी करीबी दोस्त हैं। इसी तरह मोहसिन बेग ने सिर्फ किताब का हवाला दिया था, जो मेरे नजदीक नामुनासिब था, लेकिन मुराद सईद ने अपनी तरफ से सफा नंबर 273 का भी हवाला दे दिया। जबकि रेहम खान की असल किताब में इस सफ़े पर इनका जिक्र भी नहीं है। रेहम खान ने मुराद सईद वगैरह के खिलाफ जो बातें की हैं वो गैर मुनासिब जरूर हैं, लेकिन कानूनी चाराजोई के लिए वो जवाज नहीं बनती। जबकि इमरान खान के खिलाफ मुराद सईद वगैरह की निस्बत 1000 गुना ज्यादा बातें लिखी गई हैं और इनमें बाज बातें कानूनी चाराजोई के लिए अच्छा जवाज बन सकती हैं। फिर सवाल ये है कि मुराद सईद को कुर्बानी का बकरा बनाने की बजाय इमरान खान खुद रेहम खान के खिलाफ कानूनी चाराजोई क्यों नहीं करते। एक और सवाल ये है कि गुज़िश्ता बरसों में रेहम खान के खिलाफ बरतानिया की किसी अदालत में किताब की बुनियाद पर मुकदमा दायर क्यों नहीं किया गया। इसी तरह इनकी किताब के तस्करे की बुनियाद पर मोहसिन बेग को गिरफ्तार किया गया, जबकि इस वक्त रेहम खान खुद पाकिस्तान में मौजूद है, तो किताब की मुसन्निफा के खिलाफ पाकिस्तान में कानूनी चाराजोई क्यों नहीं की जाती।